किसान जय किसान। बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ही ज़्यादा सीत पड़ रही है। एक खास वीडियो, आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा रहा। खानपुर में घूमे, अपनी विधानसभा से आना में पूरे जोर लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो सब कुछ छोड़ते हैं परमात्मा के ऊपर और उन सभी किसानों के ऊपर और उन जवानों के ऊपर जिनकी अखंड ज्योति को इन्होंने खंडित कर दिया है, उनकी आत्माओं को ठेस पहुँचाई है। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है और जो अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिनको उस ज्योति से हिम्मत मिलती है कि हमारे जवान ज्योति जल रही इंडिया गेट पे, उसको शिफ्ट कर दिया करे जा रहे हैं, ज्योति इन्होंने खंडित की है, तो हमें ऊर्जा मिलती है उस चीज़ से। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ख़राब काम किया है, उन सभी महान आत्माओं को ठेस पहुँचाई है। जो इतने सालों से वो ज्योति, अखंड ज्योति जल रही थी, इन्होंने उसको खंडित किया है। उसे भूलेगा नहीं जवान भी। हमें पता है देश में लड़ाइयाँ ही दो लोगों की रहेगी, जवानों की और किसानों की। एक खास वीडियो है, आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखिएगा। एक मिनट फिर से चलाते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। एक मिनट मैं अपनी क्षेत्रीय जनता सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के सभी चरणों में अपना मट्टा टेक कर सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। ये इन महान व्यक्ति को आपने सुना होगा अभी बहुत अच्छे से, और बाकी सर्च भी कीजिएगा, बहुत सारे उस फ्लाइट मोड लगा दिए मैंने, इसमें हटा लेना। और ये है, ये हमारी और आपकी विधानसभा सियाना 66 बुलंदशहर के विधायक, मौजूदा विधायक हैं ये। और ये कहते हैं कि मैं श्री चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगता हूँ, जो गलती मुझसे हुई है मैं उस गलती की मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं फिर से आपसे वोट लेने के लिए आ रहा हूँ। अभी तय करना आपको है, क्योंकि विधायक जी तब से दिखे नहीं, तब बॉर्डर पे आंदोलन चलता था, और जब दो बजे रात के अंधेरे में बलात्कार हुई बेटी को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया, तब इनके मुंह नहीं खुलते थे, लेकिन आज ये आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको ऐसा क्षमा कीजिएगा जो ये शांति से पूरे बैठ जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सियाना विधानसभा में हूँ और पूरा क्या टाइम हो रहा है, ये 11 बज रहे हैं, 10:53 हो रहे हैं, आप इतने सारे लोग जुड़े हो, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सभी को पता है कि इतना सम्मान मुझे किसानों की वजह से मिला, और ये श्री चरणों में क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किया ना, आप उनके आप देखिए इन्होंने किया क्या। 5 साल में एक विधायक खूब अच्छी खासा हिसाब किताब सा कर ले हुए अपने तय, और जो जनता के हक की चीज़ है वो भी इन्होंने नहीं दी है, ये सभी को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल इनको क्षमा जरूर कीजिएगा, और इनको ऐसा क्षमा कीजिएगा जिससे कि ये फिर से ना आए, बहुत जरूरी है। मैं बेशक एक 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 विधानसभा पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन मेरी 403 विधानसभाओं से अपील है, वहां पे आप ये सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि व्यक्ति कौन है, क्योंकि इन्होंने चेंज करके बिठा दिया, कोई कूद करके इधर से उधर आ गया, इस तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन जो अभी इनकी पार्टी में से भी आए ना कुछ विधायक वगैरह, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब वो इनकी पार्टी में थे, जब उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप गठबंधन से लड़के या और दूसरी पार्टी से लड़के या बसपा से लड़के वो आपके लिए क्या करेंगे। जो आए ना भी कूद कूद करके इनकी पार्टी में से, जब उन्हें दिखा जहाज डूबता हुआ, आपको सभी को पता, जब जहाज डूबता हुआ दिखा तो सारे चूहे कूद कूद के सबसे पहले भागे हैं, तो वही काम अभी हुआ था, आपने सभी ने देखा था, सभी भागे थे कूद कूद करके। तो जब आपने ये उस पार्टी में थे बीजेपी में, जब इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप बस एक ध्यान में बात रखिएगा, मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है सभी से कि आप बटिएगा नहीं, अपनी वोट मत बांटिएगा। हम सेकुलर हैं, आप सेकुलर हैं, हम सेकुलर भारत में रहते हैं, लोकतंत्र भारत में रहते हैं, है ना, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है। तो आप ये सोचिएगा, हर विधानसभा 403 विधानसभाओं पे जो है वो कातिल बैठे हुए हैं, जो 750 किसानों के सारे जिम्मेदार हैं, उनकी शहादत के जो हुई ना बॉर्डर पे, जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ उसके जिम्मेदार हैं, जो रात के अंधेरे में बेटी को जलाया गया उनके जिम्मेदार हैं, वो सारे के सारे। आप बस ये देखें, क्योंकि सभी को पता कि इनके हाईकमान आला कमान से बात चले, ये तो दो शब्द बोल भी नहीं सकते हैं। मेरा आप सभी से बस यही अनुरोध है, और दिन और रात एक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आए हुए समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, और बाकी आप सभी से अनुरोध है
कि वो जो मैं बॉर्डर से आई हुई हूँ, सभी किसानों का सम्मान लेकर के और जो हमारी बेटियां हैं उनका प्यार लेकर के, उनकी आवाज़ लेकर के, जो हमारा यूथ है, जो 65% यूथ है, वो उनका जो आवाज़ लेकर के, क्योंकि बहुत बेरोजगार है आप सभी को पता है मुझसे ज़्यादा, तो आप उस सम्मान को बरकरार रखिएगा। मेरी सियाना विधानसभा वालों से सभी से अपील है, और कोई रूठा हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मना लूंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरी कभी किसी से नाराजगी नहीं है, और जो लोग इतना मेरे पीछे रहते थे मेरी उनसे कभी भी नाराजगी नहीं हुई। तो आप तो मेरे फिर भी अपने हैं, वो भी मेरे अपने थे, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किसान आंदोलन का इतना समर्थन किसानों ने किया, उन्हीं सभी के परिवार हैं हमारे विधानसभा में, और आप ऐसा काम कीजिएगा जो देखिए मतलब क्या हो गया विधानसभा में, एकदम अजीब है ना। अब ये जो विधायक जी हैं सियाना से, अभी हैं विधायक मौजूदा, लेकिन ये दिख नहीं रहे कहीं भी, और अभी ये बेचारे क्षमा मांग रहे हैं, तो आप इन्हें ऐसा क्षमा कीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि ये दिखे ही ना फिर आगे सियाना विधानसभा में। रिक्वेस्ट है आप सभी से, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बाप रे।